एक गेटा लिख लूंगी मैं कल तो को नहीं और बोलूंगी सर एक मिनट पेपर का है ए गेटा क्या गेटा क्या था ए गेटा गेटा है वो गेट है मेरे घर का मेन गेट है ताला लगा के रखते ना यहाँ बात चल रही है एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट की गेट बोलने होगा ठीक है मैं बोल दूंगी ट्विंकल के गेट था Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. My name is Bhavya and today I am shooting a random vlog. Kolkata layover है मेरा आज. काफी दिनों बाद है कोलकाता का layover. I'll not say कि बहुत time बाद है, but हाँ काफी time बाद मेरा आज ये कोलकाता का layover है. So it's a two-day pattern जो मैं आज three sectors operate करके three sectors in the sense मैं आज बैंगलोर कोलकाता कोलकाता से रायपुर रायपुर से कोलकाता जा रही हूँ फिर कोलकाता में मेरा लेओवर है फिर टुमारो अगेन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता कोलकाता से कहीं कहीं तो है कुछ कुछ तीन सेक्टर्स है देन आई कम बैक टू बैंगलोर सो यस स्टे ट्यून्ड सो नाउ आई एम रेडी एंड आई विल जस्ट लीव फॉर माई कैब विद इन 5-10 minutes जब तक हम अपना स्कार्फ पहन लेते हैं बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगी आंटी एल ने से लैंड इन कोलकाता सो सी यू आफ्टर लैंडिंग इन कोलकाता हाय गाइस वेलकम बैक सो नाउ आई एम इन कोलकाता और जो मैं वीडियो बना के गई थी उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड और आज फ्लाइट भी ऐसे ही मतलब आई नॉट से कि मेरा ख़राब दिन था या कुछ लेकिन हाँ इट वॉज़ वेरी वेरी हेक्टिक इवन वी डिड थ्री सेक्टर्स बैंगलोर कोलकाता कोलकाता रायपुर देन रायपुर कोलकाता बट द फर्स्ट सेक्टर वॉज वेरी वेरी हेक्टिक बैंगलोर कोलकाता उसके बाद तो वी ऑल वर सो डेड एंड वी ऑल वर फीलिंग लाइक यू नो सो एग्जॉस्टेड कि मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं हुआ इवन वाइल लैंडिंग मतलब लैंडिंग के बाद मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ जाते हुए यू नो द एवरीथिंग वॉज लुकिंग सो प्रेटी हर इन कोलकाता बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा जो आज से स्टार्ट है और हमने पहले सोचा था मैं और मेरी सिस्टर ऑब्वियसली मैं अपनी सिस्टर के पास आई हूँ तो हमने पहले सोचा था कि हम बाहर जाएंगे आज लेकिन आई एम सो टायर्ड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप बिकॉज Tomorrow again I have three sectors to operate that is Kolkata, Dhaka, Dhaka, Kolkata and then Kolkata, Bangalore. So tomorrow is also going to be a long day for me and obviously it is going to be hectic. तो इसलिए मैं कहीं गई नहीं मैंने अपना plan drop कर दिया I thought मैं यहीं पर रहूँगी
और ये जो पीछे से आवाज़ सुन रहे हो, मैं मिलवाती हूँ आपको आज। जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों ने मेरी स्टोरीज़, मेरे हाइलाइट्स, मेरे पोस्ट सब पे देखा होगा इसे। आज हम रियल में मिलवाएंगे वीडियो में। आर यू गाइज रेडी? हाय कमू, से हेलो। सी अब नहीं चिल्लाना, अब नहीं चिल्लाएगी कमू। बाल तो छोड़ दे। हाँ, बाल सारे, जो थोड़े बहुत बाल बचे हैं सर में सारे खींच। देखो 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 देखो, द रीज़न बिहाइंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू कम कोलकाता इज शी। अभी ये इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी लिटरली, और अभी देख लो, अभी इसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है, इसको बस उठ के बैठना है। सो हम कहीं बाहर नहीं गए, बट ट्रस्ट मी, बाहर इतना प्यारा डेकोरेशन हो रखा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दिवाली जब होती है ना दिल्ली में, सो जब मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली की हरे माते करूँगी। दिल्ली में जब दिवाली होती है तो कैसे लोग लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ अच्छे से करके सजा के रखते हैं, कितना प्रिटी लगता है सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि कोलकाता में दुर्गा पूजा स्पेशल और इट इज़ अ मेन फेस्टिवल ऑफ बंगालीज, तो यहाँ पे इतना प्रिटी व्यू लग रहा था। लेकिन अभी वो बाहर गई है मेरी बहन, अब इसका चिल्लाना शुरू हो चुका है। इसने क्या, अब मेरा वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी क्यों नहीं हुआ, हुआ क्या आने के बाद, एक तो मुझे यहाँ का लोकेशन, मैं इतनी बार आ चुकी हूँ लेकिन मुझे ना रास्ते बिल्कुल भी याद नहीं रहते, आई एम वेरी बैड इन दैट। मैं कुछ इतनी बार बुला लूँ, जब तक मैं रोज़ मतलब ऑलमोस्ट एक महीने आना जाना नहीं करूँगी, मुझे याद ही नहीं रहता कि एग्जैक्ट। हाँ, अब मुझे पता है मुझे इधर से आना है, इधर से उधर जाना है, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं रहता। तो पूरे टाइम मैं वीडियो कॉलिंग पर थी अपनी सिस्टर के साथ, और मेरे जीजू भी नहीं थे अभी, वरना वो मुझे लेने आ जाते हैं, मतलब बैग वैग उठाने के लिए, यू नो। और मुझे आज खुद फोर्थ फ्लोर तक ऊपर चढ़ के आना पड़ा है बैग उठा के, एक तो मैं ऑलरेडी इतनी थकी हुई, ऊपर से यहाँ बारिश हो रही थी, फिर सो दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग हेलो, है ना गम्मू? अब नहीं बोलना आपको, से हेलो। नहीं नहीं बोलना गम्मू को, क्या खा रहे हो? हाँ, तो मैं कहाँ थी, फोर्थ फ्लोर तक मुझे ऊपर चढ़ के आना पड़ा इतना भारी बैग उठा के, और हाँ तो मुझे फोर्थ फ्लोर तक बैग उठा के आना पड़ा इतना भारी बैग, दोनों हाथ में बैग, बारिश में हील्स पहन के आना, और ऊपर से मुझे लोग ऐसे देख रहे थे मतलब कि भाई पता नहीं कौन ही आ गई है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि गलत जगह तो नहीं आ गई मैं, मुझे किसकी वजह से ऐसे आना पड़ा फोर्थ फ्लोर तक बैग उठा के हील्स में। आई शो यू, ये है वो महान हस्ती जिनकी वजह से मुझे बैग उठा के आना पड़ा है, जो अब आंटी बन चुकी है, यू शुड एक्सेप्ट इट, यू आर अ आंटी नाउ। नो आई एम नॉट, शी इज, नो आई एम नॉट, आंटियों की तरह ये रहती है बिल्कुल भी, मतलब बच्चा होने के बाद घर आते ही सबसे पहले किसको पूछते हैं, इसको, गम्मू को। कहाँ घुस गई ये पता नहीं, अभी तो ये बहुत चिल्ला रही थी गम्मू। कहाँ, हाँ हाँ सब समझ गए बिल्कुल। शंकर जी का डमरू बाजे,
राधिका नंदन नाचे शंकर जी का डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे पर पीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम अजय हो सोने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है ना गम्मू गम्मू अब सोएगी गम्मू कहाँ जाना है गम्मू को क्यों सब गीला कर लिया सब गीला कर लिया सब नहीं सोना है गम्मू को नहीं सोने नहीं देखना मौसी को नहीं देखना मौसी को चंदा है तो मेरा सूरज भेजियो मौसी गंदी मौसी गंदी मम्मी ओ प्लीज गम्मू कौन गंदा है कौन गंदा है मम्मी कौन गंदा है मासी गम्मू बप मम्मा गंदी ना मम्मा गंदी हाँ देखा कि तुम माँ बेटी ट्यूनिंग क्या करके बैठे हो गम्मू हमने ट्यूनिंग किया है ट्यूनिंग किया है हमने ट्यूनिंग बोला हनी अब दे रहे हैं तू हमने क्या किया गम्मू क्या सिखा रही है इसको बताओ गम्मू माशिस कॉलिंग गम्मू नो सी गम्मू लेट हर स्पीकिंग बस यही इंग्लिश वो सीखने वाली है नो सी नो रिप्लाइंग ओके गम्मूइंग माशी कॉलिंग नो सी नो रिप्लाइंग यस दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस यू आर इग्नोरिंग गम्मू ओए लड़की कैसे देख रही है उधर देखो मतलब टीवी बंद करो कहाँ है रिमोट कहाँ है रिमोट कहाँ है बंद कर टीवी दिखाना है इसे इधर आह
अरे लड़की अरे नो नो डोंट नो डूइंग ओनली सोइंग ओनली देख मुझे देख, बच्चों का दिमाग होता है बहुत तेज। तब तो सीख जो जाएगी और क्या बेटा, तुझे नो डूइंग। बताई बड़ी हो के कम आप बड़ी हुई मम्मा कुछ खाई ओके बड़ी हुई मासी कुछ खाई। हाँ तो सम सीरियस डिस्कशन वर गोइंग ऑन। तो देख, कल मेरी कोलकाता से ढाका की फ्लाइट है, ठीक है? ढाका से कोलकाता, कोलकाता से बैंगलोर। जिंदगी सारा सच यूट्यूब पे नहीं बताते हैं। तो बंगाली सिखा मुझे कल क्या बोलना है। बंगाली में तेज बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं आएगी वरना। सो नींद आ रही है मुझे बहुत, लेकिन लेकिन सोना नहीं है। अभी हम लोग घूमने जाएंगे, पैंडल हॉपिंग करने जाएंगे। कुछ भी ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। झूठ मत बोलो ना, झूठ क्यों बोल रही। तो बोलो। बोल रही थी कल से स्टार्ट है, कल कौन सप्तमी, बोला? षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 4 दिन। क्या बोलते हैं, सप्तमी। सप्तमी तो बोझ बोल रही थी कल से शुरू होगा। नहीं, कौन बोला? आज से हम लोग आज से ही निकलते हैं। मेरी फ्लाइट पर तो एक क्रू, पता है, वो एथनिक वियर लेके आई थी, सूट वूट हो जाएगी आज अकेले ही। सोच सब बने, पूरा कॉल कर तो जाता है आज के टाइम में, कोई नहीं सोता, धीरे धीरे नहीं होता कोई रेस्ट करने। देख वो भी फ्लाइट करके आए, चल जाते हैं, बन के देख कैबिन क्रू। यार मुझे नहीं पता, कपड़ा वपड़ लगा दूंगी कोई बदतमीजी। चल तू मुझे वो सिखा, तो फिर हम कल कैसे बोलेंगे बंगाली में। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, तो अपनी बहन के यहाँ जा रही है, तो बंगाली में सीख के आई कि ब्रीफिंग के लिए, एटलीस्ट पूरी ब्रीफिंग नहीं तो एक दो लाइन तो सीख के आई हो कि कैसे बोलना है। लेट जस्ट ट्राई, तुझे बोलना क्या आता है ना? है मैं ये बंगाली हूँ क्या? यस कॉल योर जीजू नो। जीज। तू बता, तू बताएगी क्या बताऊँ? कैसे लाइन तो बोलेंगे, बता जैसे सर कैमो लगते हैं। भालो, भालो भाषी, भालो 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 भाषी भाषी मतलब लव यू होता है। बोली आमी आमी के बाद में खूब भालो भाषी। जूते चप्पल निकाल के सब मारे। भालो आछी, भालो आछी, ये नहीं पूछना है मुझे, बालो आछी ना आछी। तो ये बता कि हम ये कैसे बोलेंगे कि सर ये द्वार, ये एग्जिट आपको सिर्फ इमरजेंसी में ही खोलना है। समझ लो सर, ये गेट आप ना देख के कैसे बोलेंगे, এই গেটটা শুধু তখনই ওপেন করবেন যখন কিছু এমার্জেন্সি থাকবে। এই গেটটা, এই গেটটা লিখলুম কি তখনই ওপেন করুন স্যার, 1 মিনিট পেপার গায়ে এই গেটটা, गेटा है वो, गेट है घर का, गेट है, ताला लगा के रखते ना। यहाँ बात चल रही है एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट की। गेटा शुद्ध तो नहीं, और ओपन एग्जिट टा, एग्जिट गेटा तो खुद नहीं ओपन कर बन, गेट क्यों बोल रहे तो एग्जिट, एग्जिट, ये एग्जिट गेट, गेट बोलने होगा। ठीक है मैं बोल दूंगी, ट्विंकल के गेट था सर, ये एग्जिट गेट, ये एग्जिट गेट, ये नहीं ए ए ए ए, सुन रहा है ना? हाँ, ए एग्जिट गेट, एग्जिट गेट टा टा
क्या से भी है ये हंसता आएगी मुझे कल भी तो कौन ही ओपन कोर्बन तो कौन ही ओपन कोर्बन अच्छा एक पता नहीं क्या उसने मुझसे मांगा कुछ तो उसने मुझे बोला पता नहीं क्या उपमा करके है फिर उसने कुछ तो उपमा नहीं क्या बोला पता नहीं किसी कोलकाता वाले सेक्टर में पैसेंजर ने जो भी बोला छोड़ हाँ एक गेटा शुद्ध तो कौन ही ओपन कोर्बन शुद्ध এই গেটটা শুধু তখনই ওপেন করবে তখনই ওপেন 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 তখনই ওপেন ওপেন করবেন 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 যখন 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 করবেন যখন কিছু এমার্জেন্সি থাকবে কিছু এমার্জেন্সি কিছু কিছু এমার্জেন্সি থাকবে হ্যাঁ লেট জাস্ট ট্রাই क्या स्टार्टिंग है होती है ए गेटा ए गेटा ए एग्जिट गेटा ए एग्जिट गेटा शुद्ध तो कौन ही ओपन कर शुक क्या शुद्ध शुद्ध तो कौन ही ओपन कर बे जो कौन ही किचु इमरजेंसी डाल दो क्या जेजब को क्या बोलते हैं जो कौन किचु किचु इमरजेंसी इमरजेंसी थाक बे कल मैं ये पेपर में लिख के जाने वाली हूँ और अपनी L2 को जाकर देने वाली हूँ मैं व्हाट्सएप कर दूँगी और वो ऐसे ब्रीफिंग करने वाली है बहुत हो गया तू आ जाओ यार कल की फ्लाइट में नहीं तो ऐसे बोलते ना भाई बिल्कुल सुन भी नहीं था बांग्लादेश यहाँ सारी बातें नहीं होंगी अब मुझे आती बहुत नींद और मैं जा रही हूँ सोने कैंडल होपिंग करने अब मैं कैब में हूँ और अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ यहाँ से मतलब अपनी बहन के यहाँ से नाउ अगेन आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट कोलकाता के उसके बाद हमारे दो सेक्टर हैं कोलकाता ढाका ढाका कोलकाता उसके बाद फिर 2 घंटे का हॉल्ट है हॉल्ट मीन्स 2 घंटे में फिर वेट करना है अपने थर्ड सेक्टर ऑपरेट करने के लिए जो है कोलकाता बैंगलोर उस 2 घंटे के बीच में हम एयरपोर्ट पर वेट करेंगे और खाएंगे हमारा लंच होगा शाम को 6 बजे उसके बाद अगेन वी विल ऑपरेट 1 सेक्टर कोलकाता बैंगलोर एंड देन बैक टू बैंगलोर this Kolkata vlog do like share and subscribe my channel thank you so much for watching this vlog